सियासी भूचाल शब्द इतना आसान हो गया है कि इसे कोई भी कभी भी प्रयोग कर सकता है। दिक्कत यह है कि सारी पार्टियां अपने आप को तुर्रम खान समझती हैं। उन्हें लगता है कि किसी प्रदेश में अगर वो नहीं है तो चुनाव और राजनीति संभव ही नहीं है। बाकी हम पत्रकार हैं तो हमारा काम बताना है, और आप तो जानते ही हैं कि हम किस प्रदेश की खबरों को आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे बिहार की राजनीति धीरे धीरे करवट ले रही है, क्यों तेजस्वी यादव आहिस्ता से ये इशारा कर रहे हैं कि चिराग पासवान अगर महागठबंधन में आए तो उनका स्वागत है, क्यों चिराग पासवान ये संकेत दे रहे हैं कि अगर उनको उनके मुताबिक सीट नहीं दिया जाता है तो वो एनडीए छोड़ देंगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। शुरुआत रामविलास पासवान से होनी चाहिए, क्योंकि वो नेता जो 5 प्रधानमंत्रियों के अंदर काम कर चुका है, वो नेता जो 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुका है, वो नेता जो 1996 से अब तक मंत्री पद पर बना हुआ है, उसमें कुछ तो खास बात जरूर होगी। अब वो खास बात सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन वो नाम जो रामविलास पासवान के लिए मशहूर है वो है मौसम वैज्ञानिक। मतलब गजब की प्रतिभा है उनके अंदर, 1 मिनट में भांप लेते हैं कि अब कहां जाना है। लेकिन पासवान साहब पर चर्चा करने से ज्यादा जरूरी अभी उनके बेटे पर बात करनी जरूरी है। उनका नाम है चिराग पासवान, उन पर चर्चा होनी चाहिए। कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी में पहली बार उन्हें देखा था। पिता का राजनीतिक इतिहास है तो वो भी राजनीति में आ गए बॉलीवुड में काम करने के बाद, हालांकि वो बॉलीवुड में फेल रहे। 2014 में पहली बार जमुई से सांसद बने, 2019 में फिर से बने, और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं तो चिराग जो फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी को देख रहे हैं, सीटों के लिए आनाकानी कर रहे हैं। अब आ जाइए लोक जनशक्ति पार्टी के इतिहास पर। लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास पासवान ने साल 2000 में बनाया था। पासवान साहब 2000 में जनता दल से अलग हुए और लोक जनशक्ति पार्टी बनाए। इससे पहले वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और लोक दल में रह चुके थे, फिर उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी ने 2005 के विधानसभा चुनाव में 178 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 29 सीट उनके पाले में आई थी। अब जब चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं तो उनका तर्क यही है कि जब 2005 में 29 सीट मैं जीत सकता हूं तो अभी तो मैं ज्यादा मजबूत हूं। 2010 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के खाते में 3 सीटें आई थी। 2015 में एलजेपी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यहां आप ये बात याद रख लीजिए कि उस वक्त एनडीए में जदयू नहीं थी। नीतीश कुमार ने 2015 का चुनाव राजद के साथ लड़ा था और उस वक्त एलजेपी ने मात्र 2 सीटें जीती थी। अब जब 2020 का चुनाव आया है तो चिराग पासवान धीरे धीरे ये संकेत दे रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिलता है तो वो एनडीए छोड़ सकते हैं। चिराग पासवान 40 से 45 सीट चाहते हैं और उनको 30 से 35 सीट देने का मन बना चुकी है एनडीए। एनडीए का गणित कुछ यूं है कि वो जदयू को 105 सीट, भाजपा को 105 सीट और एलजेपी को 33 सीट देना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपी को 6 सीटें दी गई थी और रामविलास पासवान को भाजपा के कोटे से राज्यसभा भी भेजा गया था। इसी लिहाज से चिराग इस बार 40 से 45 सीट चाहते हैं। चिराग की बात करें तो वो 2014 में जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, 2019 में भी जीत गए। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी वही देख रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रामविलास पासवान भी अंदर ही अंदर उनको गाइड करते होंगे, क्योंकि जो अनुभव उनके पास है वो शायद किसी के पास नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करना और लगभग 2 दशक कैबिनेट का अनुभव होना कोई छोटी बात नहीं है, और इस वक्त चिराग का एनडीए से मोह भंग होना ये संकेत दे रहा है कि उनके पिता भी किसी दूसरे प्लान में हैं। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जदयू और भाजपा अपने फुल फ्लेज में हैं। वो नहीं चाहते हैं कि थोड़ा भी इधर उधर हो। नीतीश कुमार की एक दिक्कत यह भी है कि वो भाजपा के बराबर सीट चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा में भी वही हुआ था, और इसी के चलते चिराग पासवान सेफ फील नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, और इतना सब कुछ होने के बाद तेजस्वी यादव दखल ना दे ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो फिर साहब ने भी कह दिया कि अगर चिराग हमारे साथ आना चाहें तो इस पर विचार किया जा सकता है। मतलब आप समझ ही सकते हैं, रामविलास पासवान साहब की खूबी यह है कि वो कब किसमें जाकर मिल जाए ये किसी को पता नहीं चलेगा। उनकी एक खूबी यह भी है कि उनको ये पहले से पता चल जाता है कि कौन चुनाव जीतने वाला है।
उनकी एक खूबी यह भी है कि वो संभावनाओं का तलाश नहीं करते, संभावनाएं उनका तलाश करती हैं। पासवान साहब जिधर गए उसका भला कर दिए। इसी के चलते ये मुद्दा अभी जोर पकड़ा हुआ है कि चिराग कहीं एनडीए को टाटा बाय बाय ना कह दे, क्योंकि जो पिता करता है वही बेटा भी करता है। ये हाल सिर्फ एनडीए का नहीं है, महागठबंधन का भी है। महागठबंधन में जीतन राम मांझी जो पिछली बार अपनी पार्टी की तरफ से 21 लोगों को चुनावी अखाड़े में उतार चुके हैं, इस बार उनकी इच्छा है कि पहले से ज्यादा सीट मिले। राजद वाले इस बात पर अग्री नहीं कर रहे हैं। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी है। 2015 के चुनाव में वो एनडीए में थे और उस वक्त उन्होंने 23 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था। अभी वो महागठबंधन में है और वो 30 सीट चाहते हैं, ये भी राजद वाले मानने को तैयार नहीं है। राजद वाले उपेंद्र कुशवाहा को 20 सीट ही देना चाहते हैं। कुशवाहा भी दिमाग लगा रहे हैं, मांझी साहब भी दिमाग लगा रहे हैं। राजद का अपना अलग स्वैग है क्योंकि वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस लिहाज से राजद सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस का। कांग्रेस हालांकि बिहार में कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनका इज्जत रखना भी जरूरी है, तो इस लिहाज से बिहार का चुनाव अलग रूप लेता नजर आ रहा है। जिस एनडीए को लोग ये समझ रहे थे कि यहां सब कुछ सही सही हो जाएगा, वहां भी दिक्कतें हैं। विपक्ष का जो हाल पूरे देश में है वही हाल बिहार में भी है। बाकी सीटों से हमें कोई खास मतलब लेना देना है नहीं, जिस चीज से मतलब है वो है बिहार का विकास। लेकिन ये खबर है तो आपको बताना जरूरी था, ये समझाना भी जरूरी था कि चिराग पासवान क्यों खफा हो गए हैं। आगे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब अंत में आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। शुक्रिया कहने से पहले वही गुजारिश जो हर वीडियो में मैं करता हूं, यूट्यूब और फेसबुक का लाइक रुका हुआ है, फेसबुक पर आप पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए। जनता जंक्शन के नाम से यूट्यूब का चैनल है, लोग पूछते हैं जनता जंक्शन का जो स्पेलिंग हमारे फेसबुक पर है मैं दोहरा देता हूं, JANTAJUNCTION। आपको खोजना ना पड़े हमारा यूट्यूब चैनल, इसके लिए हम कमेंट बॉक्स में अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देंगे। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमारा हौसला ही बढ़ता है। बाकी अब अंत में शुक्रिया।